और यहाँ पे मिले भाई पंजाब के जाने माने स्टार, आप समझ सकते हो पंजाब स्टार तक मैम से तो सुबह मिल गया था और सर से अभी मिला। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं आपसे मिल पाऊंगा। शुक्रिया, सच में बहुत अच्छा लगा। दिली इच्छा से भी मिल के जाइए। थैंक यू सो मच सर, बहुत इतना करता है लो जी संगतो, दर्शन कर लो श्री हेमकुंड साहिब के, उत्तराखंड के पावन धरती श्री हेमकुंड साहिब में। और बस बाबा जी से अरदास है कि जो भी संगतें आपके दर्शन करने के लिए आ रही हैं उनकी अरदास पूरी करना, सबके दुख दूर करना और इस संसार और सिक्खी पर अपनी मेहर करना। तो भाई सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, कुछ ऐसा दृश्य आपको दिखने को मिलेगा। और सरोवर तो देखिए बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा, श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। और ये कुछ नज़ारा ऐसा है, नीलकंठ पर्वत भी आप दिख रहे हैं, दर्शन सुबह सुबह हो चुके हैं। बस आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, बाबा जी आपको ऐसी मेहर करें। और सात चोटियां, जो कि अभी कुछ ऐसा मौसम है तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मॉर्निंग का टाइम है। तो दोस्तों सुबह है और उठे, दर्शन किए बाबा जी के भी, लक्ष्मण भगवान जी के भी, शिव भगवान जी के भी। और अब जा करके जो है काम पर निकलते हैं फोटोग्राफी के काम के लिए। तो फोटोग्राफी के काम भी बहुत ज़रूरी है, अब काम ही है मेन इम्पॉर्टेंट यही। तो भाई बहुत अच्छा रहा, तो दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह भाई अपनी दोस्त जो है मिल जाती है। ये क्या हुआ, 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 बैठ। तो दोस्तों लगभग यहाँ पे ना दो अरदास होती है गुरुद्वारा साहब में, जो कि पहली अरदास है अभी चल रही है, मतलब फिनिश होने वाली है। फिर सेकंड अरदास 12 से 12:30 होती है, ये 9:30 से 10 बजे के बीच होती है। बाकी यार आज जो मौसम है ना उसका कोई शब्द नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, इतना प्यारा मौसम होने का, इतना खूबसूरत ना, मतलब बढ़िया धूप भी लग रखी है और बर्फ़ भी पिघल रही है जल्दी जल्दी फटाफट, तो और सुंदर लग रहा है। बाकी आज पे आ रहे हैं जैसे भाई अभी आए हैं लुधियाना से, नेटवर्क भी चलेंगे, नहीं तो मदर फादर से अंकल आंटी से मैं बात कर लेता, बट कोई बात आपको लोग देखता है आपके, उनको क्यों नहीं लाए फिर, छोटा है अभी, थोड़ा बर्फबारी हुई थी ना, फिर मेरे को लगा अभी थोड़ा। अच्छा अच्छा, बाकी तो रास्ता बढ़िया था, रास्ता बढ़िया था जी। हाँ जी हाँ जी, और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, दिक्कत परेशानी बिल्कुल, एंड रूम भी मिल गया था हमें गोविंद धाम में, रूम में। और स्नान वगैरह हो गया जी, बहुत अच्छा लगा। और भाई यहाँ पे देखो यार, भाई लोग तो नंगे पैर ही, चलो भाई ने चप्पल पहन ली, यहाँ पे टीन साइड में खड़े हो रखे, नंगे पैर ही मिलने आ गए यार। भाई लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, तो दिल से बहुत ही धन्यवाद आप सभी का। तो ठीक हो भाई जी, कैसी यात्रा रही आपकी? बढ़िया रही, बढ़िया रही ना, चंगी सी। पैसल मिलने आया वहाँ से। अच्छा, नंगे पैर ही आ गए, ऐसा मत करो जूते पहनो, क्योंकि ना बीमार हो जाता है इंसान एकदम से मौसम चेंज होने पे। बाकी भाई लोगों से अच्छा लगा मिलके, मिलते रहेंगे, पटियाला से है ना सभी लोग। ठीक है सर, मिलते रहेंगे, ऑल द बेस्ट, आराम से जाना। ठीक है भाई जी, ठीक है जी, आराम से जाएंगे। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, दर्शन ठीक हुए? बहुत बढ़िया, मौसम भी बढ़िया है, ठीक है वीर जी? जी बहुत बढ़िया, दर्शन हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? ऐसे ही होना चाहिए, बरसों की हमारी तमन्ना सी हेमकुंड साहिब की दरबार साहिब के खूब खुले दर्शन हुए। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो? अच्छा, तो पूरी फैमिली का फर्स्ट टाइम है। और थैंक यू सो मच, वीडियो में इतना प्यार दिया, इतना विश्वास रखा वीडियो की जो अपडेट्स होती है, और बस ऐसे ही प्यार आप बनाए रखे, बाकी अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। ये लोग आ रखे हैं, सर लोग भी आ रखे हैं, फोटो भी क्लिक करवाई इन्होंने साथ में। ठीक है सर, यात्रा बढ़िया रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपकी, बहुत बढ़िया। आप लेट पहुंचे क्या अभी? मैं जस्ट अभी 1 घंटे पहले ही आया हूँ, अंदर था गुरुद्वारे दास से पहले। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक भाई, आप भी तो आ जाओ। तो भाई भाई लोग भी मिलने आए थे यहाँ पे, और इनका भी शायद यूट्यूब चैनल है, आप चैनल का नाम बता दीजिए। शीतल हरियाणा भी ब्लॉगर है। हाँ, छोटी सिस्टर है। अच्छा, नाड़ आई है। हाँ, दर्शन वास्ते। अच्छा, तो उनका चैनल है, तो वो भी चार धाम यात्रा यहाँ और जगह भी, बहुत जगह एक्सप्लोर करते, तो उनका भी चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी यार आप सबसे मिलके अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, आप प्यार देते हो तो मोटिवेशन मुझे भी मिलती है यहाँ पे रहने की और वीडियो बनाने की। थैंक यू भाई लोगों, आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू करो भाई। तो भाई कुछ ऐसे 1:30 बजे का टाइम अभी हो गया है,
और संगतें लगभग जाने वाली है और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर का भी कपाट जो है बंद होने वाले हैं। और सरोवर देखे, कहीं धूप दिखेगी, कहीं छाव, कहीं कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। बाकी यार आज जो है लुधियाना से आए हुए हैं अपने सर, जो कि जसविंदर बेदी सर है। सबसे पहला कमेंट इनका ही रहता है मेरे हर एक ब्लॉग में, पहला दूसरा बस इतना ही फर्क रहता है। तो आए हुए हैं सर अपनी फैमिली के साथ भी। कहाँ की फैमिली आपकी? उत्थे ही खड़े हैं मुंडे। अच्छा अच्छा, बेटा मेरा उत्थे खड़ा होता वा। हाँ जी, सत श्रीकाल सब तो पहले सारे, सत श्रीकाल जी। हाँ जी, तो बाकी गुरवीर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो ग्रुप च अपने जो ब्लॉग बनाते हैं जी, ये बहुत वधिया ब्लॉग बनाते हैं। जनवरी फरवरी तो मार्च कोई इतने आ नहीं सकता, तभी गुरवीर आता। बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 8 बजे इंतजार करते रहने अभी, कदों भी गुरवीर का ब्लॉग आवे तो कदों असी देखिए। तो बहुत बहुत मेरे धन्यवाद थोड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसा आप लोगों का प्यार है तो मौका मिलता है। बाकी और भी गुरु भाई को नमस्कार। थैंक यू सर। ओ गुरु भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ, आप? हम आपकी बहुत वीडियो देखते हैं, बहुत वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा आ रही है हमें और हम ऊपर आ रहे हैं। हाँ जी, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं? मैं तो 24 घंटे आपका ही 65 इंची के ऊपर लगा के देखता हूँ, गौरव भाई सही दिखा रहे हैं तभी जाऊंगा, नहीं तो भाई मैं इधर हूँ। गौरव भाई से मिलकर बहुत खुशी है, इतनी खुशी हुई है ना कि जो आप काम कर रहे हो मेरे ख्याल से बच मैटर है, बहुत ज्यादा अच्छा करो, बहुत ज्यादा। बाकी बाबा जी अपने आप सब कुछ ठीक कर, सब कुछ ठीक कर, जो भी होता है जो ठीक है, चलो बाबा जी पता है। बाकी यहाँ पे देखो फैमिली के एक एक मेंबर करके आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे हैं। बेटा मेरा उधर रह गया, वो उन्हें उठे खड़ा पसी आ रहा है वो। अच्छा अच्छा, तो बाकी आपको पता है उधर? बिल्कुल जी बिल्कुल पता ही। चलो बाबा जी मेहर करेंगे दोबारा तो थोड़ा उधर। जरूर सर जरूर। तो बहुत अच्छा लगा सर और उससे मिल करके, बाकी वीर जी और उससे मिल करके। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाना। बाकी जल लेकर के जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब सरोवर का, घर पे देंगे है ना, जो आ नहीं पाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। बहुत बढ़िया, देखो सर भी आ गए, बहुत बढ़िया सर। ठीक हो अंकल? थैंक यू सर, बहुत टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल है आपकी। हाँ जी, उसी से ही पता लगता रहता है सारे वेदर का कैसे। ऐसा ब्लॉग कोई नहीं बनाता है जैसा आप बनाते हो ना, बहुत यूजफुल। आप जो कर रहे हो ना, मैंने तो पूर्ण में पूछा था। अच्छा अच्छा, गौरव कहाँ है? ऊपर ही मिलेगा। सबसे कह रहा मैं मथा टेको उसका, गौरव भाई से मिलकर जाना जो मर्जी हो। आपका ब्लॉग बहुत यूजफुल है यार गौरव भाई। थैंक यू, थैंक यू, यूजफुल कोई भी नहीं और डेली। भाई जाते जाते यहाँ पे ना, मतलब संगतें जा रही है शुरू तो लग गया, और यहाँ पे मिले भाई पंजाब के जाने माने स्टार, आप समझ सकते हो। पंजाब स्टार से तो सुबह मिल गया था और सर से अभी मिला। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं आपसे मिल पाऊंगा। शुक्रिया, सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत इतना करता है पंजाब लई है। हाँ जी, हाँ जी सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं अभी ढूंढते ढूंढते ना काम तोड़ते हुए आया, मैंने कहा कहीं आप चले ना गए हो, लंगर छक लिए फिर आप और भी टाइम। हाँ जी सर, जरूर सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सब तो बड़ी सेवा था ये। हाँ जी बाबा जी, जब तक इच्छा करेंगे तब तक करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो भाई अभी बहुत अच्छा लगा पंजाबी ट्रैवल कवर रिपन सर और खुशी मैम से मिल करके, मतलब इतना अच्छा ना लास्ट ईयर मिला था, उस टाइम की खुशी अलग थी। अब इतनी खुशी है कि भाई इतने वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड ट्रैवलर है। अभी तो बहुत इच्छा थी, मैं ढूंढते ढूंढते जैसे तैसे मिला। इस भीड़ में क्राउड है संगतों का, अभी जाने के लिए है। अब मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आया हूँ, और यहाँ पे देखिए भाई बिल्कुल आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है बाहर पे। तो मतलब मुझे यहाँ दुकान तक पहुँचने में आधा घंटा लगा, जहाँ मतलब 2 मिनट का काम है। तो भाई खाना खाते खाते वहाँ पे वीर जी भी मिल गए, यहाँ पे मिलने आ गए भाई, 1 घंटे से ढूंढ रहे थे। और संगतें आज इतनी है कि आने जाने में टाइम नहीं। मैं तो बहुत ढूंढ ढूंढ के थक गया, 4 गेड़े मारे हैं आपको ढूंढने के। मैं तो गुरुद्वारे वो संगतें कह रहे हैं चलो चलो, मैं फिर भी नहीं हूँ, गौरव भाई से मिल के ही जाऊँगा। हाँ जी, बाकी आंटी अंकल भी आए हुए हैं और फैमिली मेम्बर्स भी आए हैं, उनसे तो नहीं मिल पाया क्योंकि आज संगतें ज़्यादा थी ना, तो शायद पहले निकल गए तो वो निकल चुके हैं। और उनको तो फिर से मेरी तरफ से प्रणाम और प्यार भरा नमस्कार, और भाई से मिल करके भी अच्छा लगा। और मिलने के लिए यहाँ पे आए इतनी भीड़ में ना, टाइम भी लग रहा था, तो थैंक यू यार भाई इसके लिए। बाकी ऐसे प्यार बनाए रखना। ओके भाई, मिलते हैं सर, ठीक है, ओके सर। तो भाई ना संगते तो जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, बर्फ़ पिघल रही है। और ना जब सेफ्टी के लिए बात आती है तो जूते के ऊपर ऐसे सॉक्स वगैरह जरूर डाल सकते हैं। और भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, थोड़ा पहचान लिया भाई ने। बहुत अच्छी ब्लॉग बनाते हैं जी, रियल इनपुट देते हैं और दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इनकी वीडियोस आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, रियल इनपुट देते हैं बाबा जी के दरबार के। आपका प्यार है, बाकी मम्मी पापा को, आपके जो मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, सभी को प्रणाम, सभी को आपको भी दिल से प्रणाम है। बाकी यात्रा सफल रहे, वाहेगुरु जी आपके, आप ही आए, आपके इतने सारे दोस्तों में आप ही आए, कोई नहीं, कृपा बाबा जी की, वो लाए यहाँ तक, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, कोई बाकी मिलकर बहुत अच्छा लगा, वीर जी से मिलते रहेंगे और सभी को नमस्कार और ऐसे प्यार। तो भाई यहाँ पे ना देखो, आज मौसम तो पूरा हो रखा है, बादल लगे हुए हैं, भले अभी मौसम ख़राब नहीं हो, अब तो मुझे चांसेस कम लगता है कि बर्फबारी हो सकती है, सिर्फ होगी तो बारिश होगी। और यहाँ पे दुकानें अभी तक खोल रखी है भाई पंडित जी ने, कब तक का विचार है? 3 बजे तक। 3 बजे तक, अच्छा 3 बजे तक। हमें इनको भी आ गया यहाँ पे, देखो फोटोग्राफी करके। कैसे है आप? तू कहाँ सड़क में सोया था? हाँ जी, श्याला है, पंचायत। हाँ तो ये श्याला है, इसका नाम श्याला ही है वैसे भी, और पंचायत ही श्याला। दोस्तों आपने देखा यात्रा में श्री हेमकुंड साहिब में कुछ वीर जी लोग बाज भी लाए हुए हैं, जो कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की एक निशानी है, और हम जानते हैं उस तरीके से जैसे नीला घोड़ा था उनके पास और बाज भी था। बहुत अच्छा लगा कि यार वो जो यादें हैं ना, जो मेमोरीज होती है अपने गुरु जी से ली हुई, वो आज तक जिंदा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, सभी लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं बाज को पकड़ के। ये सीधा कर लो, वहाँ घुमा लो। तो भाई खाना वगैरह होने के बाद, अभी मौसम ना कुछ ऐसा है, देखिए पूरी तरीके से कोहरा लगा हुआ है, और संगतें अभी पहुँच रही है नीचे पे आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मौसम बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। शाम को थोड़ा बहुत कोहरा लगता है संगतें जाने के बाद, उतना तो चलता ही है, बाकी सब ऑल इज़ ओके है। और यार उनकी इच्छा है, भगवान जो चाहता है वही होता है, हो सकता है ये अच्छे के लिए हो, है ना। बट एक चीज़ और बात बता दूँ, कई संगतों को मालूम नहीं होगा है ना कि मैं कितना प्यार करता हूँ, मेरे लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता, इंसानियत और इंसान मायने रखते हैं, सिख धर्म हिंदू धर्म मैं कोई डिफरेंस आज तक मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? इसका रीज़न ये है, जो मेरे दादाजी से थे श्री नंदा सिंह चौहान जी, जो कि आज शायद उनका नाम हर जगह था, बहुत रेयर लोग जानते, जो काफ़ी एज के थे, नंदा सिंह चौहान जी, जो कि सबसे पहले ग्रंथी भी रहे थे श्री हेमकुंड साहिब में, जहां उन्होंने 30 से 35 साल सेवा भी दी है। और उस टाइम कितनी कठिन यात्रा रही होगी, कोई भी व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करना है ना, पूरे नियम से पाठ किया होगा उन्होंने अपने लाइफ में, जब वो ग्रंथी रहे गोविंद घाट, गोविंद धाम, श्री हेमकुंड साहिब। और उनके जो फादर थे रतन सिंह चौहान, जो मेरे बूढ़े दादाजी के परदादा थे, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी थी एज अ प्रधान होने के बावजूद, गांव में पुलना गांव में, तो उन्होंने भी जब श्री हेमकुंड साहिब की खोज हो रही थी तो काफ़ी हेल्प करी थी, मदद करी थी दादाजी। यार उस टाइम पे कोई सड़क नहीं थी, तो पुराना रास्ता ना जो गोविंद धाम से होता था, तो ये वाला रास्ता था, तो वहाँ से ना घोड़े आ सकते थे ना कंडी, तो सोचे अपने सर पे रख करके या पीठ पे रख करके कई सामान लाए होंगे जो ज़रूरी रहता है पूजा के लिए, और जो है पाठ करते हुए अरदास करते हुए कितनी मुश्किलें थी क्या थी। तो बस वही है कि कभी मुझे ये चीज़ भी नहीं लगती थी कि यार दादाजी का नाम डिस्प्ले करूं, क्योंकि उनकी मेहनत थी, भगवान का उनका आशीर्वाद था, वाहेगुरु जी ने उन्होंने अपनी शरण पे लिया था अपनी सेवा के लिए, उनको 30-35 साल मौका दिया था, और उन्होंने भली भांति निभाया भी, और कई संगतें जानती है किस तरीके उस टाइम पर सिचुएशन रही, उसके बावजूद उन्होंने ये सेवा कम्प्लीट करी। और थोड़ी बहुत मुझे भी सेवा ब्लॉग के थ्रू ही मिलता है,
अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं जो है मुझे बहुत मतलब प्रेम है, कोई डिफरेंस नहीं आता, हम सब एक हैं, प्यार करता हूँ दिल से। मेरे लिए कभी कोई डिफरेंस नहीं रहने दिया मेरे दादाजी की भी वजह से, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते थे, ग्रंथी भी रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, उन्होंने सेवा करी और आज मौका मिलता है। बाकी ये देखो दोस्तों, मुस्कान का आशिक, ये पीछे से उदय सिटी, या बढ़िया सा, या काफी बेहतरीन चाल हमारा पानी लेते हुए कंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? अगर अरे कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आ रही आप बस ठंड से हाल बेहाल हो रखी है। तो भाई आज हमने कुछ स्पेशल किया, जो चने रहते हैं, मूंगफली रहती है ना, उसको थोड़ा भूना ऐसे करके और चाय पी रहे हैं। मजा आ रहा? बहुत मजा आ रहा। पंडित जी ने बनाया भाई, क्यों कैसा टेस्ट हो रहा? अरे जबरदस्त, उसमें नमक मिर्च मिला रखा, बहुत बढ़िया हो रहा। तो भाई अभी ना मौसम ऐसा हो रखा, इधर देखिए कोहरा वगैरह लग रखा है चारों तरफ से, और अभी जाके 5 बजे भाई मजा आ गया उन चने को खा करके, ना गर्मी आ गई शरीर में, और अब जाके अपने बिल पे घुस जाते हैं। बिल ही है एक तरीके से हमारा, तो यहीं पे घुसना पड़ेगा फिलहाल, तो भाई मौसम ऐसा ही है। और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और आज बहुत मज़ा आया यार, जो बास था ना, सच में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की याद आ गई थी कि किस तरीके से वो ले जाते थे सच में, और भी बहुत ही बढ़िया लगा। फिलहाल दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय मानंद देवी, जय हनुमान जी, जय श्री लोकपाल महाराज की।